way. It's not how people should be made to feel. This is terrible. This is how we're going to take care of girls. No one will help us if we don't decide to help ourselves. And this is the worst thing. I'm really appalled. She's a child and ये हमारे कल्चर में एक प्रॉब्लम है जहाँ पे लोगों को लगता है, स्पेशली अगर आप एक अभिनेत्री हैं कि आप उनकी प्रॉपर्टी हैं, जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है. बट आई एम वेरी हैप्पी अगर उसने आई डोंट नो हाउ शी पुट इट ऑन सोशल मीडिया और समथिंग उन्होंने वो किया. सो आई एम रियली ग्लैड दैट उसने वो स्टेप लिया, बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू स्पीक आउट एंड टेक अ स्टैंड फॉर अ थिंग लाइक दैट. सो आई मोर पावर टू हर. नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए कहीं भी, ना इंडिया में ना इस वर्ल्ड में, कहीं भी ऐसा होना नहीं चाहिए. ये बुरी बात है. वुमेन आर एनी वे वे मोर सुपीरियर देन मेन. वी आर फाइटर्स और हम जैसे भी सिचुएशन हो हमारी लाइफ में, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, वी ऑल कम आउट एज फाइटर्स. बिकॉज जैसे मैंने वहाँ भी कहा कि वेदर इट्स भगवान को भी हम लक्ष्मी कहते हैं, औरत के और से देखते हैं, औरत की तौर से हम उनको पुकारते हैं लक्ष्मी जी. अगर हम धरती की बात करते हैं तो धरती माँ करके बुलाते हैं. तो वी आर ऑल, जब भी कुछ वी डिस्कस समथिंग लाइक दिस, वी ऑल टॉक अबाउट विमेन. सो आई थिंक विमेन जो है बहुत ही सुपीरियर है. तो वी विल फाइट आउट ऑफ एवरी सिचुएशन इन लाइफ. टॉक अबाउट इट ओनली इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, एंड इवन थिंक अबाउट समथिंग लाइक दिस, इट इज़ जेन्युइनली वेरी डिस्टर्बिंग. जिस तरीके से हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और विमेन सेफ्टी की बात करते हैं, आई थिंक सिर्फ बातें करना ज़रूरी नहीं है. आई थिंक वी शुड टेक सम एक्शन टूवर्ड्स इट टू स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस फ्रॉम फाइनली हैपनिंग. मैंने वो वीडियो देखा बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, आई जस्ट लैंडेड फ्रॉम गोवा, एंड आई थिंक मैं अगर होती जो ऐसे मेरे साथ भी, मेरी फ्रेंड के साथ अपेरेंटली एक, जब हम बहुत छोटे थे एक शादी में, वी वर अटेंडिंग अ मैरिज, तो किसी ने कुछ बदसलूकी की, तो उसी वक्त मैंने जो भी वो जेंटलमैन थे उनकी फिंगर पकड़ के, आई वॉज अ फाइटर. आई न्यू इट कि अगर वो उस टाइम अगर कोई भी अटैक कर रहा है तो एज अ गर्ल यू हैव टू बी रियली वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप उसी टाइम उनको मुँह तोड़ जवाब दे सकें. और जो उनके कुछ पिक्चर्स देखे कि वो आगे बैठे हैं और पीछे से वो सब है, आई थिंक द गर्ल्स नीड टू बी मोर स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट. आई जस्ट होप शी गेट्स जस्टिस, मैं इतना ही बोलूँगी. गुड दैट एट लीस्ट शी हैज़ रेज्ड हर वॉइस. चुप करके बैठने से तो बेटर ही है. जस्टिस मिले उसको, मतलब बिकॉज शी हैज़ रेज्ड द कंसर्न, शी डिजर्व्स टू गेट जस्टिस नाउ.